हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन डियर आर्टिस्ट यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आपके सामने एक नए मार्कर पेन लेकर आया हूं जो बहुत ही ज़्यादा ट्रेंडिंग के अंदर भी चल रहे हैं और बहुत सारे इसके वीडियोस आपने देखे भी होंगे। तो फ्रेंड्स, इसकी आज हम अनबॉक्सिंग करेंगे। कम प्राइस के अंदर मीशो के ऊपर मिल रहा था तो मैंने वहाँ से इसको बाय कर लिया हूं। वैसे अमेजोन के अंदर अगर कम प्राइस में मिलता है उसकी लिंक मैं आपको दे दूंगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से हमको बॉक्स इसका देखने को मिलता है। तो चलिए इसको ओपन करते हैं, कैसे हमारे मार्कर पेन है, कैसे ये वर्क कर रहे हैं, इसका कलर वगैरह कैसा है, सारा टेस्ट करके भी हम देखने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से हमको इसका पैकेज देखने को मिलता है। तो यहाँ पर 48 पीस इसके अंदर दिए गए। तो यहाँ पर आपको लिखा हुआ दिखेगा, यहाँ ब्रांड नेम आपको देखने को मिलेगा और काफ़ी अच्छा बैग इसमें आपको देखने को मिल जाता है, यानी इस बैग को भी आप यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पर इसकी जिप दी गई है और यहाँ पर कैरी करने के लिए एक हैंडल आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है, तो कहीं पर भी आसानी से आप इसको कैरी कर सकते हैं। तो यहाँ पर इसकी जिप दी गई है, यहाँ से इसको ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद आप देख रहे हैं कि कितने शानदार हमारे सारे कलर आपको यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं और 48 पीस इसके अंदर दिए गए हैं। और सबसे अच्छी बात है कि हर कलर का नाम और उसका नंबर आपको यहाँ पर इसके जो कैप है इसी के ऊपर देखने को मिल जाएंगे, तो दोनों साइड में सेम ही देखने को मिलेगा, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स, हमारे मार्कर पेन को देख लेते हैं। तो इस तरीके से आपको इसकी शेप देखने को मिलेंगी और लगभग 6 इंच इसकी हाइट यहाँ पर इसकी है। और इस तरीके से दोनों साइड में आपको इसके कैप देखने को मिलेंगे। और यहाँ पर आप देखेंगे तो आपको जो भी कलर आप यूज़ कर रहे हैं उसका नंबर है और उसका नाम यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो ये अच्छी चीज़ आपको देखने को मिल जाती है। यहाँ पर इसके ऊपर देखें हम तो यहाँ पर टोंग 9 रिजी आर्ट मार्कर है ये। इधर साइड में देखें तो आपको फाइन टिप मिल रही है। जब आप इसको ओपन करेंगे तो देखिए यहाँ पर ये है फाइन टिप, यहाँ पर दिया गया है फाइन टिप। और इधर साइड में आप दूसरी साइड में इसको देखेंगे तो ये ब्रॉड यहाँ पर दिया गया है, तो देखिए ये है ब्रॉड टिप। तो इस तरीके से आपको ये स्केच पेन मार्कर पेन देखने को मिलेगा, दोनों साइड में इसकी आपको टिप देखने को मिल जाएंगी। तो फ्रेंड्स, काफ़ी अच्छे कलर्स आपको इसके अंदर मिल जा रहे हैं, बहुत सारे अलग अलग शेड इसमें दिए गए। तो इसमें 48 शेड है, इससे ज़्यादा भी मिलते हैं आपको, या आप 24 शेड का भी पैक ले सकते हैं, लेकिन ये थोड़ा सस्ता पड़ता है तो आपको ये लेना चाहिए। तो फ्रेंड्स, इसकी देखिए प्लास्टिक क्वालिटी वगैरह काफ़ी अच्छी है इसकी और काफ़ी स्टाइलिश है ये। और जब आप इसको पकड़ेंगे तो काफ़ी ईजीली आप इसको पकड़ सकते हैं इस तरीके से। तो फ्रेंड्स, ये हमारे टोटल 48 मार्कर पेन्स और लगभग सारे शेड आपको इसमें देखने को मिल रहे हैं। चलिए एक एक शेड को अब हमारे पेपर के ऊपर देख लेते हैं, कैसे इसके इफ़ेक्ट आ रहे हैं, कलर कैसे हैं। और बहुत सारे कलर आपको ऐसे लगेंगे जो शायद कैमरे पे समझ में ना आए, जैसे आप देख रहे हैं ग्रे, तो बहुत सारे लाइट ग्रे है, एकदम वाइट जैसे कलर भी है, यानी टोटली शेड आपको इसके अंदर मिल जा रहे हैं। और फ्रेंड, जो लाइट कलर के जो शेड इसमें दिए गए तो इसको आप एज अ हाईलाइटर भी यूज़ कर सकते हैं, यानी कोई भी आप रीडिंग वगैरह कर रहे हैं तो इसको आप हाईलाइटर के तौर पर भी यूज़ कर सकते हैं। बहुत सारे लोग इसको हाईलाइटर ही समझते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, इसके एक एक कलर को अब हम अपने पेज के ऊपर देख लेते हैं। थोड़ा सा ग्रीन के अंदर डिफरेंट है ये। थोड़ा ब्राउन में डार्क है ये। Thank you.
तो फ्रेंड्स अभी हमने हमारे 48 मार्कर पेंस को टेस्ट कर लिया है, काफ़ी शानदार चल रहे हैं, काफ़ी स्मूथ है ये और कलर्स भी आपको सामने नज़र आ रहे हैं। तो फ्रेंड्स आप देख रहे हैं कि ये साइड में जो ब्रॉड टिप इसकी दी गई है उससे हमने लाइनिंग खींची है और यहाँ पर जो इसकी फाइन टिप है तो यहाँ पर इसको भी हमने चला के देखा है, काफ़ी स्मूथ है। और सबसे अच्छी बात यह है कि इसके अंदर आपको अलग अलग शेड के डार्क से लेके तो लाइट तक के शेड देखने को मिल जाते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर ये पर्पल है तो इसका आप यूज़ कर सकते हैं, यानी कोई भी आप शेडिंग कर रहे हैं तो डार्क से, या जैसे आप इवनिंग का शॉट बना रहे हैं, सनसेट का शॉट बना रहे हैं तो आप जो है तो ऑरेंज से लेकर उसको पीले तक के यानी येलो तक के मिलाएंगे, तो इस तरीके से आप इसका यूज़ कर सकते हैं। एक मैं आपको करके बताता हूँ। तो फ्रेंड्स आप देख रहे हैं कि यहाँ पर दो शेड, यहाँ पर ये थोड़े डार्क है और यहाँ पर देखिए लाइट है, तो आपको ये शेड देना है, फिर ये वाला आएगा, फिर ये, इस तरीके से आप इसकी आप शेडिंग कर सकते हैं। तो लगभग सभी कलर के इसके अंदर आपको शेड देखने को मिल जाते हैं, येलो से लेकर तो रेड, ब्लैक, और ब्लैक के भी इसके अंदर आपको मिल रहे हैं, यानी ब्लैक डार्क है फिर ग्रे कलर शुरू हो जा रहे हैं। तो फ्रेंड्स ये सारे मार्कर पेन को हमने टेस्ट करके देख लिया है, मेरे ख्याल से प्रोडक्ट अच्छा है। तो फ्रेंड्स इस तरीके से हमको ये स्केच पेन देखने को मिलता है, कलर्स वगैरह काफ़ी शानदार है इसके, और इसकी जो ग्रिप है ये भी काफ़ी शानदार है, और कहीं पर भी आपको कलर फील करना है तो आप इससे कलर फील कर देंगे, या फिर आपको हल्की बॉर्डर वगैरह बनाना है तो इससे जो फाइन टिप है उससे आप इसकी बॉर्डर वगैरह, या आपको हेयर वगैरह बनाना है तो आप इससे ईजिली बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आएगा, और इसका टेस्ट वगैरह हमने सब करके देख लिया है, क्वालिटी वगैरह काफ़ी शानदार है इसकी, और जो प्राइस भी मिल रहा है तो काफ़ी सस्ता है। इसकी ख़ास बात ये होती है कि अगर आप इसको मार्केट में एक ख़रीदने के लिए जाएंगे, कुछ रोज़ पहले मैं गया था तो इससे थोड़ी बड़ी साइज़ का था, तो वो 45 रुपीज़ का था, 45 रुपये का एक था, तो शॉपकीपर ने मुझे बताया कि आप जितने ज़्यादा इसको लेंगे उतना ये सस्ता होता चला जाएगा, तो इसीलिए हमने 48 पीस मंगवाए हैं। आप इससे ज़्यादा पीस वाले भी मंगा सकते हैं, 24 वाला भी मंगा सकते हैं। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आएगा, ये स्केच पेन जो हमने आपके लिए खास मंगवाए हैं रिव्यू के लिए तो आपको पसंद आए होंगे। अगर वीडियो आपको पसंद आया तो इसको लाइक कर लीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कर लीजिए। चलिए फिर मिलते हैं किसी आर्ट के वीडियो के साथ या किसी नए प्रोडक्ट के साथ में जो आर्ट से रिलेटेड हो। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।